AHC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर। देता ना आदमी।
भैया स्टार्ट। खानवादा शेख रसीद साहब हमारे अपने परिवार की एक परंपरा रही है, रिवायत रही है कि ईद के दूसरे दिन ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग हमेशा रखते हैं, चाहे हम पार्टी कांग्रेस पार्टी में थे जब भी हम लोग रखा करते थे, अभी एनसीपी के अंदर है तो भी हम लोग रखते हैं। और हमारा अपना मकसद ये होता है कि शहर के तमाम ही हमारे चाहने वाले तमाम ही पार्टी वर्कर जिम्मेदारान और अलग अलग पार्टियों के जो ताल्लुक़ हमारे अपने हैं, अलग अलग तंजीमों से जो ताल्लुक़ है, अलग अलग सोसाइटियों से जो ताल्लुक़ है, यानी एक नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर हम लोग ईद मिलन का प्रोग्राम रखते हैं। आज आप लोगों ने देखा कि बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई, पार्टी नहीं देखते, शेख रसीद परिवार का जब नाम आते तो सब लोग एक होते, हिंदू मुस्लिम एकता। और एक अच्छा प्लेटफार्म है कि एक अच्छा अमन एकता का पैगाम यहाँ से जाता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ईद मिलन प्रोग्राम में तमाम ही पार्टियों के जिम्मेदारान, तमाम ही मसलक के जिम्मेदारान, तमाम ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे दलित भाई, ऐसे तमाम ही लोगों ने आज शिरकत की। आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के तमाम ही मेरे साथियों ने भी शिरकत की, और शहर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो रिवायत को हम लोग आगे बरकरार रखेंगे। और आप लोगों ने देखा कि पिछले साल से हम लोगों ने एक नई रिवायत हमने कायम की है इसी जगह पर कि पूरे रमज़ान में हम लोग ने इफ्तार का प्रोग्राम करवाया। मुसाफिर होते हैं, गरीब है, बाज़ार करने के लिए आते हैं, काफ़ी लोगों के लिए पिछले साल की बनिस्बत ये साल भी अच्छा प्रोग्राम हुआ। और पिछले साल भी और ये साल भी हमने किया, और इंशाल्लाह इससे बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले साल इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए स्टार्ट। खानवादा शेख रसीद साहब हमारे अपने परिवार की एक परंपरा रही है, रिवायत रही है कि ईद के दूसरे दिन ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग हमेशा रखते हैं, चाहे हम पार्टी कांग्रेस पार्टी में थे जब भी हम लोग रखा करते थे, अभी एनसीपी के अंदर है तो भी हम लोग रखते हैं। और हमारा अपना मकसद ये होता है कि शहर के तमाम ही हमारे चाहने वाले तमाम ही पार्टी वर्कर जिम्मेदारान और अलग अलग पार्टियों के जो ताल्लुक़ हमारे अपने हैं, अलग अलग तंजीमों से जो ताल्लुक़ है, अलग अलग सोसाइटियों से जो ताल्लुक़ है, यानी एक नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर हम लोग ईद मिलन का प्रोग्राम रखते हैं। आज आप लोगों ने देखा कि बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई, पार्टी नहीं देखते, शेख रसीद परिवार का जब नाम आते तो सब लोग एक होते, हिंदू मुस्लिम एकता। और एक अच्छा प्लेटफार्म है कि एक अच्छा अमन एकता का पैगाम यहाँ से जाता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ईद मिलन प्रोग्राम में तमाम ही पार्टियों के जिम्मेदारान, तमाम ही मसलक के जिम्मेदारान, तमाम ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे दलित भाई, ऐसे तमाम ही लोगों ने आज शिरकत की। आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के तमाम ही मेरे साथियों ने भी शिरकत की, और शहर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो रिवायत को हम लोग आगे बरकरार रखेंगे। और आप लोगों ने देखा कि पिछले साल से हम लोगों ने एक नई रिवायत हमने कायम की है इसी जगह पर कि पूरे रमज़ान में हम लोग ने इफ्तार का प्रोग्राम करवाया। मुसाफिर होते हैं, गरीब है, बाज़ार करने के लिए आते हैं, काफ़ी लोगों के लिए पिछले साल की बनिस्बत ये साल भी अच्छा प्रोग्राम हुआ। और पिछले साल भी और ये साल भी हमने किया, और इंशाल्लाह इससे बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले साल इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए